बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामेईन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से और इस माह मुबारक का सदका खैरियत से हों। आज की इस खास वीडियो में सूरह कौसर का बहुत ही मुजर्रब और खास अमल आपके साथ शेयर करूंगी। 11 दिन में हर हाजत के पूरा होने का, हर मुराद हर जरूरत अल्लाह पाक गैब से पूरी कर देगा। जाती घर गाड़ी बेहिसाब मालो दौलत के लिए ये बहुत ही पुरतासीर और मुजर्रब अमल है। 11 दिनों में आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस अमल को करने की बरकत से रिज़क के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपके घरों से गुर्बत और तंग दस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। मेरी ऐसे तमाम बहन भाई जिन पर कर्ज का बोझ है, तो कर्ज की रकम का इंतजाम नहीं हो रहा, तो वो परेशान ना हो। इस माह मुबारक में 11 दिन ये अमल करें, फिर इसके मोइजात देखें। अमल की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरह मुबारक है। पारा नंबर 30 में है ये इंतहाई बाबरकत और कसीर फायद की हामिल सूरह मुबारक है। इस सूरह मुबारक को पढ़कर अगर खाने पर दम कर लिया जाए तो कम खाना भी काफी हो जाता है। इस सूरह मुबारक को पढ़ने वाले को मुश्किलात और परेशानियों का सामना नहीं होता। ये सूरह मुबारक पढ़ने वाले के घर में खैर और बरकत आती है। इसी सूरह मुबारक का बहुत ही खास और मुजर्रब अमल आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे वो बहन भाई जिनका अपना जाती घर नहीं, वो नमाज फजर अदा करने के बाद यकीन कामिल और इखलास नीयत के साथ अपनी हाजात का तसव्वुर अपने ज़हन में रखकर नमाज फजर की दो सुनते पढ़ने के बाद 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने का मामूल बना ले। 11 दिन में अपना जाती घर मिलेगा, घर में खैर और बरकत आएगी, आपका घर रिजक से भर जाएगा, हाजात पूरी होंगी। ये अमल करने की बरकत से अल्लाह पाक अपना खास फजल फरमाएगा, ऐसा फजल कि आप उसकी बरकतों से माला माल हो जाएंगे। आप क्या आपके हमसाये भी अमीर हो जाएंगे। इस माह मुबारक में इस अमल की बरकत से मोइजा होगा, ऐसा मोइजा जो आपकी किस्मत को बदल देगा। बस यकीन शर्त है, यकीन कामिल और इखलास नीयत के साथ अमल करने वाला अपनी मुराद पा लेता है। नाज़रीन सामईन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।